Hello students, welcome to history class 12th. In recent video we have discussed about the different situation in society in different varnas. चार वर्ण है सोसाइटी में, चार वर्णों की कंडीशन कैसी है, कौन अमीर है कौन गरीब है और कौन सिर्फ सेवा के लिए रखे हुए, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है. चंडालों की ड्यूटी क्या थी और शूद्रा क्या थे, गरीब थे लेकिन कुछ शूद्रा ऐसे भी थे जो पावरफुल थे, अमीर भी थे. वो कैसे बने, ब्राह्मणिकल ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था या नहीं किया जाता था, ये सब हमने पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे एन अल्टरनेटिव सिनेरियो, सोशल सिनेरियो शेयरिंग वेल्थ. अब हमने देखा है कि जो लोग जिनके पास ज्यादा पैसा था, जिनके पास ज्यादा वेल्थ थी, दे वर असाइंड. सो असाइंड स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, लेकिन ऐसा भी नहीं था वेल्थ के अकॉर्डिंग था. पॉसिबिलिटी एज वेल द सिचुएशन वेयर मैन हु वर जेनरस वर रिस्पेक्टेड, जो अच्छे लोग थे उनकी रिस्पेक्ट भी की जाती है. ऐसा नहीं था कि सिर्फ पैसे वाले की रिस्पेक्ट की जाती थी, और वो लोग जो सिर्फ पैसा इकट्ठा करते थे और चालाक थे, लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे, वो डिस्पाइज किए जाते थे, उनको पसंद नहीं किया जाता था. वन एरिया वेयर दीज वैल्यूज वर चेरिस्ड वाज एंशियंट तमिलकम. तमिलनाडु के एरिया में ऐसी चीजें जो थी, जैसे लोग जेनरस थे उनको रिस्पेक्ट किया जाता था, कैसे किया जाता था. तो ये सेवरल चीफडम्स जो 2000 ईयर्स अगो की थी उनमें ऐसा कुछ होता था. The chiefs were patron of bards and poets who sang their praise. Poems included in Tamil Sangam anthologies often illuminate social economic status of people. So, and their relationship suggesting that while there were differences between rich and poor, those who have controlled resources were also expected to share them. जो अमीर थे उनको ये जरूरी था कि वो अपने रिसोर्सेज को आम लोगों के साथ शेयर करें. इवन किंग भी अपने रिसोर्सेज को आम लोगों के साथ शेयर करे, दिस वॉज एक्सपेक्टेड. अब उसी से रिलेटेड ये पुअर जेनरस चीफ की एक स्टोरी बताई गई है, यह पढ़ लेना. आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस. सो एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस, फर्स्ट वी विल स्टडी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. बुद्धिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म से या कह सकते हो ब्राह्मणों से अलग अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग जो सोशल इनइक्वालिटी के बारे में थी उन्होंने फिर पब्लिश की. उन्होंने डेवलप की एन अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो समझते थे कि ब्राह्मण समझते से ऐसा होता है उससे अलग एक विचारधारा उन्होंने शुरू की. एंड द इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड टू रेगुलेट सोशल कन्फ्लिक्ट इन मिथ फाउंड इन टेक्स्ट नोन एज सुतपीटिका, दे सजेस्टेड दैट Originally, human being did not have fully involved body form, nor was the world of plant fully developed. मतलब सूतपीठिका में ये कहा गया है कि पहले human being इतना develop नहीं था जितना आज हो चुका है, और ना ही plants वगैरह जो थे वो इतने develop थे. सब कुछ शांति में थे. All beings, वो कहते हैं कि जो पहले जो लोग थे वो ज्यादातर शांति प्रिय लोग थे, आइडियलिक स्टेट में पीस में रहते थे. जो खाने के लिए चाहिए था सिर्फ वही खाते थे और ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करते थे नेचर को. वो कहते हैं कि सारे के सारे जो जीव जंतु थे या ह्यूमन बींग था उस टाइम सिर्फ अपने डेली मील के लिए ही जीते थे. एनिमल्स तो आज भी डेली मील के लिए जीते, लेकिन जो ह्यूमन बींग है उसने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया है. There was a gradual deterioration of this state, and as human being become increasingly greedy, कहता है कि human being greedy बन चुका है, vindictive, deceitful बन चुका है, मतलब लालची बन चुका है, resources को ज्यादा से ज्यादा वो use करने लगा है. This led them to wonder, what if we were to select a certain being who should be wrathful when in the indignation is right, who should censure that which should rightly be censured and should banish him who deserve to be banished, we will give him a return a proportion of rice chosen by whole people, he will be known as Mahasamanta the great elect.
मतलब एक बात कही है उन्होंने सूतपीठिका में, व्हाट इफ वी वर टू सिलेक्ट अ सर्टेन बीइंग हु शुड बी रेथफुल, कहते अगर हमने किसी नॉबल बंदे को चुनना हो तो किसको चुनेंगे, किसको हम शेयर देंगे, मतलब ह्यूमन बीइंग के पास इतनी इच्छा है ही नहीं कि वो किसी को दान दे, ऐसा उन्होंने उस टाइम की प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए बताया है। दिस और कहते हैं कि राजा ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको हम अपने प्रोडक्शन में से शेयर दें। दिस सजेस्ट दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस, इसका मतलब राजा जो है वो लोगों द्वारा चुना जाना चाहिए, जिसको हम शेयर दें, जिसको हम हटा सकें, जिसको हम चुन सकें। तो ऐसा बुद्धिज्म में लिखा गया कि हम ऐसा करना चाहिए। एट द सेम टाइम इट रिवील रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन एजेंसी इन क्रिएटिंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशन, देर आर अदर इम्प्लीकेशन एज वेल, फॉर इंस्टांस ह्यूमन बींग वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द सिस्टम दे कुड ऑल्सो चेंज इट इन फ्यूचर। तो मतलब जो सिस्टम हमारे चारों तरफ बना हुआ है ह्यूमन बीइंग उसकी क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर चाहे ह्यूमन बीइंग तो उसको चेंज कर सकता है। तो ये था सोशल डिफरेंसेस में एक नई तरह की डिस्क्रिप्शन जो बुद्धिज्म ने डेवलप की। तो हम इसके बारे में, हम बुद्धिज्म के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें अब इतना ही है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।